हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और ये है आपके प्रश्न बैंक क्लास 9th की। और आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और अनसीन पैसेज में आज ही आपका 5th नंबर का वीडियो है, जिसमें हम 5th नंबर के पैसेज को ही कवर करेंगे। हम आपके अनसीन पैसेज पूरी इन वीडियो के माध्यम से कम्प्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जिसमें आपका जो रीडिंग सेक्शन है उसके हमने 4 यानी 4 अनसीन पैसेज कम्प्लीट कर लिए हैं, जिनकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। और साथ में इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे इसी क्रम वाले। यहाँ पर पैसेज नंबर जो 5th है इसको हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर पैसेज पढ़ने से हमारा मतलब यह नहीं है कि हम इनको रट रहे हैं या फिर इनका आंसर क्या है, आपको इनको सबमिट करना है, आप कर चुके होंगे। लेकिन अब हमें मतलब है हमारी एग्ज़ाम से, मतलब हम ये सीखना चाहते हैं कि यदि हमारे पेपर में कोई ऐसा पैसेज आ जाए तब हमें हमारे ज्ञान का यानी रीडिंग स्किल का उपयोग करके, जो हमारी पढ़ने की जो क्षमता है उसका उपयोग करके, हम कैसे वहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देंगे, ये सीखने का मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, इस पैसेज को हम स्टार्ट करेंगे जो कि सरदार पटेल के बारे में है। उनके बारे में लोगों की क्या राय है, वह किस तरह के व्यक्ति थे, यहाँ पर हम ये उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर हमें इनका आंसर देना है। हालांकि क्वेश्चन इस तरीके के कि यहाँ से आप देखेंगे और ऊपर देखेंगे आप, इनमें कहीं ना कहीं मिलाएंगे तो आपको आंसर डायरेक्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन 1 से 2 मिनट लगेगी, हम इसको समझ लेते हैं। देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल वॉज स्लाइटली ऑफ हार्स एंड रफ टेम्परामेंट। ऐसी राय है या फिर ऐसी सामान्य सी राय प्रतीत होती है हमारे देश में कि सरदार पटेल जो थे वह कैसे थे, स्लाइटली हार्स यानी कठोर थे, रूखे सूखे स्वभाव के थे। यानी ऐसा कहा जा सकता है कोई व्यक्ति ऐसा जो कि कठोर, और जब उनके जवाब रहते थे तो ऐसे रहते होंगे कि आपको ऐसा लगता है कि कैसा व्यक्ति है यार, मतलब बिल्कुल दृढ़ और पूरे कठोर व्यक्ति थे वो, तो ऐसा स्वभाव था उनका, ऐसा पूरे देश में सी राय है। मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोग उन्हें भारत का लोह पुरुष कहते हैं। ही वाज नो डाउट, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि एन आयरन मैन इन द सेंस दैट वंस कुड रिले ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन। इस बात में कोई शक नहीं है कि आप उनको लोह पुरुष कह सकते हैं। लोह पुरुष से मतलब ये नहीं कि वो लोहे के बने थे या फिर कठोर थे या फिर बिल्कुल ताकतवर थे। आयरन मैन यानी कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो प्रशासन चलाने का जो कौशल था, उनमें जो ज्ञान था, जो कठोरता थी, उसमें उनके आधार पर कहा जाता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति जिनमें कुशल प्रशासन करने की क्षमता है। तो इस सेंस में आप उनको आयरन मैन कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना संदेह के, निसंदेह रिले कह सकता है कि उनमें कुशल प्रशासन करने की और कठोर और कुशल प्रशासन करने की एबिलिटी थी, योग्यता थी, बिना संदेह कोई भी ऐसा कह सकता है। बट एज अ मैन टू दोज हु हैड द गुड फॉर्चून ऑफ कमिंग इन टू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम, परंतु वो व्यक्ति जो कि जिनको जिनका सौभाग्य होगा या फिर उनका ऐसा अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा उनको, जो कि इनके संपर्क में रहे, किनके संपर्क में, सरदार पटेल के संपर्क में रहे, उनको पता है, क्या पता है, ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेटेड, कि वह दयालु है और विचारशील है। यानी जो उनके नज़दीकी है वही जानते होंगे, जैसे हमारे दोस्त हमें जानते हैं कि हम कैसे हैं, बाकी आउटर वर्ल्ड में यानी आप कैसा अपने आप को दिखाते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका व्यवहार जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जो उनके दोस्त, जो उनके कभी जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके पास उनके क्लोज जाने का, वो जानते हैं कि वह दयालु थे और विचारशील थे। एक टाइम, एक समय पर ही इवन बिकेम इमोशनल वेयर हिज पर्सनल फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स वर कंसर्न। एक समय की बात है, जब एक ऐसा समय हुआ था कि जो उनके पर्सनल दोस्त हैं, व्यक्तिगत खुद के जो दोस्त हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके संबंध में कोई बात आ गई होगी तो ये कैसे हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, भावुक हो गए थे, भावनाओं में बहकर हम भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो ऐसे हो गए थे। मतलब उनमें वो इमोशनल भी थे, बाहर से स्ट्रिक्ट थे लेकिन अंदर से बिल्कुल वो सॉफ्ट हार्टेड थे। हाउएवर इट गोज विदाउट सेइंग, तो बिना कहे आप ऐसा कह सकते हैं या मान सकते हैं, देट द सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अफेयर, कि सरदार पटेल के पास एक महान कौशल था मामलों को निपटाने में, यानी किसी मामलों को सुलझाने में, निपटाने यानी जो अफेयर्स मामले होते हैं उनका व्यवस्था करना या फिर उनको निपटाने या सुलझाने की उनमें एक अच्छा कौशल था, ग्रेट स्किल थी, महान कौशल था। ही न्यू द वे ऑफ पिकिंग पीपल एंड पुटिंग देम इन देयर प्रॉपर प्लेस, वह जानते थे, मतलब कौन सा तरीका जानते थे वे, कि लोगों को किस तरीके से चुनना है, उठाना है और किस तरीके से उनको सही स्थान पर रखना है। सही स्थान से मतलब किसी व्यक्ति को किस, कहाँ से आपको लेकर आना है, उसकी योग्यता को पहचानना है और उसकी योग्यता के आधार पर उसको किस स्थान पर रखना है, ऐसा वह जानते थे। ही न्यू द वे, वह यह तरीका जानते थे कि कैसे आपको व्यक्ति में एक व्यक्ति को ढूंढना है कि यह किस काम का है या फिर इसका इसका स्थान कहाँ पर है। वंस ही जज अ मैन एंड फाउंड हिम करेक्ट, ही ट्रस्टेड हिम फुली एंड गोट हिम टू डू एनी थिंग ही वॉन्टेड। जब वह किसी व्यक्ति को जज करते थे, उसके बारे में निर्णय लेते थे या
कोई भी जजमेंट पास करते थे किसी व्यक्ति के बारे में और पाते थे कि वह करेक्ट है तो वह उस पर पूर्ण रूप से ट्रस्ट करते थे। ही ट्रस्टेड हिम फुली, पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करते थे एंड गोट हिम टू डू एनी थिंग ही वॉन्टेड, और उसको जो वह करना चाहता है उसके लिए स्वतंत्र कर देते थे कि तुम्हें जो करना हो करो, क्योंकि वह उन पर विश्वास करते थे यदि कोई व्यक्ति उनको सही मिलता है या सही पाते हैं उसको। तो ये आपका पैसेज था। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, सरदार पटेल वाज कॉल्ड, सरदार पटेल को पुकारा जाता है या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, या इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल, सरदार पटेल के पास एक ग्रेट स्किल थी, कौन सी थी स्किल? इसके बाद आपको लिखना है इसके बाद में फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर, यानी जो मामले होते हैं उनको सुलझाने की जो क्षमता थी उनमें कौशल था, तो फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, मामलों को सुलझाने निपटाने की उनमें कौशल था, महान कौशल था। ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेटेड, बहुत दयालु और विचारशील थे, किन के लिए? जो उनके नज़दीकी रहे होंगे या फिर जो उनको जानते हैं उनके लिए वो कैसे थे? दयालु थे, ये हमने पढ़ा है। गुड फॉर्चून ऑफ कमिंग इन टू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम, ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो उनके क्लोज कॉन्टेक्ट में कभी रहे होंगे वो जानते हैं कि वह कितने दयालु और विचारशील थे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट, फार के बाद आपको लिखना है फार क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम, ये इसके बाद लिखना है फार क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम, इसके आगे आपको लिखना है। अगला देखिए आप, वन कुड रिले ऑन हिम, मतलब कोई भी उन पर विश्वास कर सकता है निसंदेह, फार स्ट्रिक्ट एंड इफिशियंट, क्या कठोर और कौशलपूर्वक काम करने के लिए उन पर विश्वास कर सकता है? तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए वन कुड रिले, तो वन कुड रिले ऑन हिम फार स्ट्रिक्ट एंड इफिशियंट, तो इतना तो इसमें दिया है, तो इसके आगे आपको क्या लिखना है? एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं पीपल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर पूछा गया है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक, आपको इस पैसेज में से वह शब्द को ढूंढ निकालना है जिसका मतलब लक होता है। लक का मतलब क्या होता है? भाग्य होता है। क्या होता है? भाग्य होता है कि उसका लक काम कर गया, उसका भाग्य काम कर गया। तो यहाँ पर एक फॉर्चून, गुड फॉर्चून मतलब सौभाग्य, या फिर जैसे भाग्य की बात है, अच्छा भाग्य, तो फॉर्चून जो शब्द है ना यही अर्थ देता है लक के बराबर, यानी कि सिमिलर अर्थ है फॉर्चून का और लक का, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉर्चून, जो कि आपको पैसेज में से ढूंढ कर निकालना था, हमने निकाल लिया। तो ये पैसेज आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाएगा, साथ में इसे अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करना ना भूलें। फैमिली में एक बार शेयर मत कीजिएगा, लेकिन आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो कि आपके साथ अध्ययन कर रहे हैं, ताकि उनको सही वीडियो और सही कंटेंट मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अलग ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।